भारत चीन सीमा पर जारी विवाद के बीच जाने माने इनोवेटर सोनम वांगचुक ने भारत के लोगों से चीन के द्वारा बनाई गई चीजों को बहिष्कार करने की अपील की है। सोनम वांगचुक ने अपने YouTube पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो भारत और चीन के बीच लड़ाई में आम जनता का क्या योगदान हो सकता है इसके बारे में बता रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमें चीन से, चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनकी रवैयों से समस्या है। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा। और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग प्रतिज्ञाएं करें कि चीनी सामान का बहिष्कार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो। सोनम वांगचुक वही शख्स है जिनके चरित्र पर सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स केंद्रित थी। आमिर खान इस फिल्म में फुनसुक वांगडू का किरदार करते हैं जो सोनम से प्रेरित है। सोनम अपने वीडियो में कहते हैं कि पूरा भारत चीनी सामान का बहिष्कार अभियान चलाए जिससे चीन का आर्थिक स्थिति खराब हो जाए और वो अपने रवैये को सुधार ले। वीडियो में सोनम वांगचुक कहते हैं कि सीमा पर लड़ाई होती है तो पूरी जनता आराम से सो रही होती है, लेकिन इस बार केवल सैनिकों को जवाब नहीं देना चाहिए, ये जिम्मेदारी नागरिकों की भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा इस बार बुलेट पावर की बजाय वॉलेट पावर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हर साल भारत में चीन की जबरदस्त कमाई होती है, भारत के साथ उसके बिजनेस से लाखों करोड़ रुपए, और ये पैसा बदले में हमारे सैनिकों को मारने के लिए सीमाओं पर उपयोग किया जाता है। वो कहते हैं देश के 130 करोड़ लोग और बाकी 3 करोड़ लोग जो बाहर है, सब मिलकर अगर चीन में बने सामान का बहिष्कार करें तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और दूसरे देश भी ऐसा ही करेंगे। इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा, चीनी अर्थव्यवस्था और लोगों को गुस्सा आएगा और एक क्रांति होगी। वांगचुक कहते हैं ये केवल फोन और कंप्यूटर के बारे में नहीं है, ये टिकटॉक जैसे सॉफ्टवेयर्स और ऐप पर भी लागू होता है जिनका बहिष्कार करने की जरूरत है। भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा और भारत में बनने वाली चीजें फले फूलेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन को वियतनाम, ताइवान और यहाँ तक कि हांगकांग से भी समस्या रही है। वांगचुक के अनुसार चीन घरेलू परेशानियों का सामना करने के लिए अपनी सीमाओं पर तनाव पैदा कर रहा है। चीन अपने ही लोगों से सबसे ज्यादा डरता है जो बिना किसी मानव अधिकारों के अपने देश में बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जाता है। जिस समय चीन के लोग दुखी हो जाते हैं वो विद्रोह में उठते हैं, और उस स्थिति से बचने के लिए या फिर उन परिस्थितियों से ध्यान हटाने के लिए चीन अपनी सीमाओं पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, साल 1962 में भी ऐसा ही हुआ था जब चीन ने भारत के खिलाफ 4 साल तक चले बड़े अकाल का सामना करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। क्या आप भी सोनम वांगचुक के कहे जाने पर चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें।